चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको जिन जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद रैली को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। ये तस्वीरें जींद से हैं जहां पर जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया और जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने शिरकत की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी संख्या में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया और साथ ही इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोल भी मौजूद नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली जींद में ये रैली का आयोजन किया गया और साथ ही रैली को संबोधित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज इस रैली का हिस्सा बने। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली और रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और जींद में भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। जींद की तस्वीरें हैं, बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया और आप देख सकते हैं तस्वीरों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। और साथ ही बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया, जींद में ये रैली हो रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली हो रही है और ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस रैली में शिरकत की है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोल भी मौजूद नजर आ रहे हैं और काफी संख्या में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली जींद में आयोजित की गई, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस रैली में शिरकत की है। जींद की ये तस्वीरें हैं जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है और ऐसे में लगातार दी जाती थी और या फिर सरेआम पैसे में बिकती थी उनको दूर करके हमने एक नए मानक स्थापित करने का काम किया कि जो आज बच्चा योग्य है, योग्यता के आधार पर वो नौकरी अपने सरकारी नौकरियों के अंदर अपना स्थान बना सकता है। और विशेष रूप से खासकर जो एससी के बीसी के लोग थे उनके साथ तो सबसे ज्यादा अन्याय करने का काम किया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की सरकार 10 साल तक रही और उस सरकार के अंदर जब भी कोई नौकरियों के रिजल्ट आते थे तो जो थोड़ी बहुत लेकर के जितनी वैकेंसी एससी की होती थी बीसी की होती थी वो पूरी ना लेकर के उनमें एक ये कह दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते थे। इस तरीके के अन्याय करने का काम किया। आज ये लोग कहते हैं कि हिसाब देने का काम करें। हमारी सरकार ने तो समान विकास कराने का काम किया है, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, सबको समान रूप से विकास कराने का काम किया है। उनकी सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के अंदर किस तरीके के नए नए कांड हुए, चाहे मिर्चपुर कांड हो, चाहे डाबड़ा कांड हो, चाहे गोहाणा कांड हो, लोगों को गांव छोड़कर के पलायन तक होना पड़ा। उन लोगों को बसाने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है।
आज हिसाब देने का काम करे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कि आपने कितने जुलम और जातिया करने का काम किया, किस तरीके से वंचित वर्ग पे गरीब लोगों पे आपने जो है जातियां की, किस तरीके से आपने एससी बीसी के युवाओं को साथ आपने उनको अयोग्य घोषित करने का काम किया, उसका हिसाब देने का काम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा करे और कांग्रेस की सरकार करे। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश और विनती करूंगा साथियों कि इतिहास की पुनरावृत्ति ना हो, वो जुलम और जातियां दोबारा आप लोगों के साथ ना हो, हो सके इसके लिए आपके बीच में चुनाव है और आने वाली जो 5 तारीख है 5 अक्टूबर है उसको चुनाव होगा, उस दिन अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल के ऊपर बड़े इंसान पे डाल देना, एक बार फिर से नायब सैनी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके हर एक हर वर्ग के लिए जो जनहित से कार्य केंद्र लगे हुए हैं उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़े, इसके लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एकजुट होकर के ना केवल अपने बल्कि अपने गांव में शहर में वार्ड में जाकर के सबको ये बताने का काम करें।